Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Shailja the Fashion Queen. So guys, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. सो गाइज, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सीरम के बारे में. सीरम क्या होता है, सीरम कब लगाना चाहिए, फेशियल ऑयल क्या होते हैं, फेशियल ऑयल कब लगाने चाहिए, सीरम एंड फेशियल ऑयल में क्या डिफरेंस होता है, एंड सीरम किस एज में लगाना चाहिए, एंड सीरम क्यों लगाना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं. बहुत सारी बातें हैं गाइस जो सीरम के बारे में लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं. तो हम कौन सा सीरम प्रेफर करें अपनी स्किन के लिए. सो गाइस, ये सारी बातें अबाउट सीरम मैं आज आपसे करने वाली हूँ अपने इस वीडियो में. सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल शैलजा द फैशन क्वीन को सब्सक्राइब कर लिया हो. और भी ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस, हम ये जानें कि सीरम क्या होता है. उससे पहले मैं आपको बता दूँ, फेस सीरम एंड हेयर सीरम दोनों ही अलग तरह के सीरम होते हैं. हेयर सीरम जो होता है वो हमारे बालों के लिए होता है, एंड जो फेस सीरम होता है वो हमारी स्किन के लिए होता है. तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके फेस सीरम के बारे में. तो फेस सीरम क्या होता है. फेस सीरम गाइस एक स्किन केयर प्रोडक्ट होता है जो हमारी स्किन में बहुत ही ईजली एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही डीपली एब्जॉर्ब हो जाता है, और अंदर जाकर ये हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, नरिश करता है, एंड हमारी स्किन को यंग रखने में हेल्पफुल होता है. एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को ये दूर करता है. और भी गाइस इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. तो गाइस, वो स्किन केयर प्रोडक्ट होता है सीरम. और सीरम गाइस मार्केट में बहुत टाइप से आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सीरम्स मार्केट में अवेलेबल हैं. तो इस तरह से गाइस, जो सीरम होता है ना, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं उनको इतना मिनिमाइज किया जाता है ताकि वो आपकी स्किन में बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब हो जाए और बहुत डीपली आपकी स्किन में जाकर वो आपकी स्किन को प्रोसेस करें, आपकी स्किन को नरिश करें, एंड आपके टिश्यूज को एक्टिव करें. तो इस तरह से उनका जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि वो आपकी स्किन में डीपली एब्जॉर्ब हो जाए. तो उन्हें हम सीरम कहते हैं गाइस. सीरम गाइस हमारी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो इसके बाद गाइस, हम जानते हैं सीरम कितने टाइप के होते हैं. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सीरम बहुत टाइप के मार्केट में अवेलेबल हैं, हम कौन सा परचेज करें. ऑयल बेस्ड सीरम, वाटर बेस्ड सीरम एंड जेल बेस्ड सीरम. सो गाइस, अगर आपको आपका स्किन टाइप पता है, आपकी नॉर्मल स्किन है, आपकी ड्राई स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है, तो उसके ही अकॉर्डिंग आपको ये प्रोडक्ट भी परचेज करने होते हैं. तो गाइज, अगर आपकी स्किन नॉर्मल या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप जेल बेस्ड सीरम यूज कर सकते हैं एंड वाटर बेस्ड सीरम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा गाइज, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप जा सकते हैं ऑयल बेस्ड सीरम के साथ. एंड नेक्स्ट गाइज, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जाएंगे जेल बेस्ड सीरम के साथ. तो इस तरह से गाइज, आपको सीरम सेलेक्ट करना है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग. कुछ होते हैं केमिकल वाले सीरम एंड कुछ होते हैं नेचुरल इन्ग्रीडियंट से मिलकर बने हुए सीरम. सो गाइज, जो केमिकल वाले सीरम होते हैं वो थोड़ा सा फास्ट वर्क करते हैं, बहुत जल्दी उनका प्रोसेस होता है आपकी स्किन पे और बहुत जल्दी वो रिजल्ट शो करने लगते हैं. क्योंकि गाइज, उनका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा केमिकली बनाया जाता है जिसकी वजह से वो फास्ट वर्क करते हैं. एंड जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने होते हैं गाइज, वो स्लो वर्क करते हैं. बट गाइज, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थोड़ा सा सेफ होता है. और जो नेचुरली फ्रूट्स वगैरह से मिलकर बनाए जाते हैं सीरम, नेचुरल चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, उनमें उनके नेचुरल गुण मौजूद होते हैं. तो गाइज, मैं प्रेफर करती हूँ आपको कि नेचुरल सीरम ही आप परचेज करो जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बने हों, ताकि गाइज वो स्लो ही वर्क करें बट आपकी स्किन हेल्दी वो भी रखेंगे, एंड वो भी लॉन्ग लास्टिंग हेल्दी रखेंगे. क्योंकि गाइज, वो स्लो वर्क करते हैं बट कोई हार्म नहीं करते हैं. इसके बाद गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि सीरम हम किस एज से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें. तो गाइज, देखो, अगर आप नेचुरल सीरम अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे हो तो आई थिंक मैं बोलूँगी 20 एज मिनिमम है. आप 20 से यूज करना स्टार्ट कर सकते हो. एंड अगर गाइज आपके कोई एंटी एजिंग वाले सीरम हैं तो इन्हें गाइज आप आई थिंक 25 के बाद ही अप्लाई करें. इसके अलावा भी गाइज, डिफरेंट टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सीरम्स बनाए जाते हैं. जैसे कि गाइज, किसी को अगर एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है तो एक सीरम बन गया एंटी एजिंग के लिए. एंड किसी को स्किन वाइटनिंग चाहिए अपने फेस पे तो उसके लिए एक सीरम बना दिया. एंड अगर आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स ज़्यादा है उसके लिए अलग सीरम बना दिया. तो इसमें भी काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सा सीरम लूँ. तो सीधी सी बात है गाइज, आपको थोड़ा सा देखना है, अगर आपकी स्किन क्लियर है, आपको ज़्यादा स्पॉट्स वगैरह रिमूव नहीं करने हैं,
तो आप कोई भी नेचुरल सीरम यूज कर सकते हो अपनी स्किन को बूस्ट करने के लिए, अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, अंदर से नरिश करने के लिए। एंड अगर आपको गाइस थोड़ा सा स्किन लाइटनिंग चाहिए एंड आपके फेस पे डार्क स्पॉट्स वगैरह भी हैं, तो आप वाइटामिन सी सीरम चूज कर सकते हैं, जिसमें वाइटामिन सी इंक्लूडेड हो, उस टाइप का कोई सीरम आप परचेज कर सकते हैं। आप अपनी फेस की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही सीरम परचेज कर सकते हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीरम हम कब अप्लाई करें। तो गाइस मैंने मोस्टली जब भी मैंने सीरम का रिव्यू किया है तो मैंने आपको बताया है इसको कब कब अप्लाई करना है। तो कोई भी सीरम हो गाइस, कम से कम दिन में आपको एक बार तो उसे अप्लाई करना ही है। वो आप सोच लीजिए, आपको नहाने के बाद अप्लाई करना है या सोने के पहले अप्लाई करना है। उसके बाद गाइस मैं तो आपसे कहूँगी आपको 2 टाइम सीरम अप्लाई करना चाहिए, जस्ट लाइक आप जब बात लेते हो आफ्टर बात, आप अपनी किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट को अप्लाई करने से पहले सीरम अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सीरम अप्लाई कीजिए एंड उसके बाद जब नाइट में आप सारा मेकअप रिमूव करते हो गाइस, आपके पास कोई भी नाइट स्किन केयर क्रीम नहीं है तो गाइस सिर्फ आप सीरम अप्लाई करके अपने फेस पे अच्छे से सो सकते हो। उसके बाद गाइस आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्किन अंदर से इतनी ज़्यादा ग्लोई होने लगेगी, इतनी ज़्यादा हेल्दी होगी एंड आपके फेस पे जो पिगमेंटेशंस, ब्रेकआउट्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, वो सारी धीरे धीरे दूर हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह से गाइस आपको 2 बार तो सीरम अप्लाई ही करना चाहिए। इसके बाद भी गाइस किसी ने मुझसे पूछा था, अच्छा मैं सुबह शाम अप्लाई कर लूँ उसके बाद जब मेकअप करूँ, तो मेकअप से पहले तो आप ज़रूर ही अप्लाई कीजिए ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे और जो भी मेकअप आप अप्लाई करने वाले हो उससे कोई हार्म ना हो, तो आपको मेकअप से पहले भी सीरम अप्लाई करना। इस तरह से गाइस अगर 3 टाइम्स भी सीरम आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है तो कोई हार्म नहीं करता है वो। बट गाइस नेचुरल सीरम होना चाहिए, मतलब नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ होगा तो बिल्कुल भी हार्म नहीं करने वाला है। एंड जो थोड़ा से केमिकल वाले होते हैं उसमें पहले ही वो बता देते हैं सुबह शाम आपको अप्लाई करना है या कैसे आपको अप्लाई करना है। तो इस तरह से गाइस सीरम आपको अप्लाई करना होता है। इसके बाद गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात होती है। लोग कहते हैं कि मैं सीरम खरीदूं या मैं फेशियल ऑयल खरीदूं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो सीरम आपके स्किन में वर्क करता है वही वर्क करता है आपका फेशियल ऑयल भी। फेशियल ऑयल को भी कुछ इसी तरह से बनाया गया है कि वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करें। बट होता क्या है गाइस, जो सीरम्स होते हैं उनमें आपको काफ़ी टाइप की वैरायटी मिल जाती है एंड फेशियल ऑयल तो फेशियल ऑयल्स ही होते हैं। तो गाइस जो फेशियल ऑयल होते हैं वो मोस्टली ड्राई स्किन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे, क्योंकि ऑयली स्किन वालों को तो ऑलरेडी ही प्रॉब्लम होती है ऑयल से, उन्हें पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। तो गाइस आपको एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। अगर आप फेशियल ऑयल परचेज करते हो तो फेशियल ऑयल भी आपकी स्किन केयर ही करेगा और नाइट एंड मॉर्निंग में आपको उसको वैसे ही अप्लाई करना है जिस तरह से आपको मैंने सीरम अप्लाई करना बताया है। तो इस तरह से गाइस सीरम एंड फेशियल ऑयल में वैसा कोई अंतर नहीं होता है, बट वो फेशियल ऑयल होता है तो ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी वजह से उन्हें सीरम ही सेलेक्ट करना चाहिए। बट गाइस कॉम्बिनेशन स्किन वाले एंड ऑयली स्किन वाले भी फेशियल ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, बट विंटर सीजन में। इस तरह से गाइस ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फेशियल ऑयल एंड सीरम में। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं सीरम या फेशियल ऑयल के बेनिफिट्स के बारे में। सो गाइस इसके बहुत टाइप के बेनिफिट्स होते हैं एंड आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जैसे इनको बनाया जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स तो ये दूर करते ही हैं। एंड जो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये आपकी स्किन में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है एंड आपकी स्किन सेल्स को एक्टिवेट करता है, आपकी स्किन को एक्टिवेट करता है ताकि आपकी स्किन काफ़ी दिनों तक यंग दिखे, यूथ दिखे। तो इस तरह से गाइस कोई भी सीरम आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करता है एंड पिगमेंटेशंस को दूर करता है एंड स्लोली आपके जो स्किन पर डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको भी ये रिमूव करता है। जिस तरह से गाइस आपके लिए जूस पीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से गाइस आपका सीरम अप्लाई करना भी इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपकी स्किन को भी बूस्ट होने का चांस मिले, आपकी स्किन भी बूस्ट हो, आपकी स्किन भी एक्टिवेट हो, आपकी स्किन भी हेल्दी दिखे। तो गाइस अगर आप सीरम अप्लाई करते हो तो आपकी स्किन पर किसी भी तरह के रिंकल्स नहीं होते हैं, पिंपल्स नहीं होते हैं, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम भी दूर होती है। तो गाइस ये कई तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है। सो इस तरह से गाइस मैंने सीरम एंड फेशियल ऑयल के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये स्मॉल वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो गाइस अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में एंड बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल शैलजा द फैशन क्वीन के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।